आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज बोया M1 के साथ मेरा खुद का बनाया हुआ एक लैब माइक जो एक साल पहले मैंने बनाया था उसके साथ कंपटीशन होगा। इस वीडियो के ऊपर लगभग 4.5 लाख व्यूज आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस लैब माइक के ऊपर हैं, तो होप इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी के मामले में बोया M1 से ये कितना बेहतर है या थोड़ा सा नीचे है, इसको आप जज कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो और देर ना करते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, नीचे अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें, हो सके तो एक लाइक और घंटे को जरूर बजाया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और मेरे चैनल का वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑडियो कंपटीशन आपको बता देगा आपको बोया M1 खरीदना चाहिए या एक लेवलियर माइक जो मैंने बनाया उस तरह आप एक बना के भी काम चला सकते हैं। तो इस ऑडियो टेस्ट को देने के लिए मैं रेकफॉर्ज ऐप को यूज़ करूंगा। तो पहले इस 3.5 mm जैक को मैं अपने मोबाइल में इंसर्ट करता हूं, फिर ये है मेरा लेवलियर माइक। अब रेकफॉर्ज ऐप को मैं चालू करूंगा। अब यहां देखिए दोस्तों, मेरा बनाया हुआ लेवलियर माइक का ऑडियो सैंपल आपको मिल रहा है जो कितना प्रोमिनेंट रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा इसका डिटेल्स। यहाँ देखिए मैंने सेटिंग में 4 dB तक ऑडियो सोर्स को बढ़ा दिया है, मेरे सराउंडिंग्स जितने 4 dB तक साउंड होगा ये रेकफॉर्ज के थ्रू सारे कैप्चर कर लेगा। ये साउंड क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल इसको मैं पॉज करता हूँ। तो आपको मिल चुका है मेरा बनाया हुआ लैब माइक का साउंड सैंपल। अब दोस्तों बोया M1 को मैं इंसर्ट कर रहा हूं। अब जो ऑडियो आपके सामने है दोस्तों, ये बोया M1 का है, देख सकते हैं कितना प्रोमिनेंट है। इसमें भी आप सेम सेटिंग देख सकते हैं, 4 dB तक मैं इसको बढ़ा के जस्ट साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस ऑडियो को मैं जब पंच करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑडियो प्रोमिनेंट है। अब आपके सामने दोस्तों दोनों माइक का नतीजा मैंने ला के रख दिया है, आप ही डिसाइड कर ले मेरा बनाया हुआ ये माइक ठीक काम कर रहा है या बोया M1। तो कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखना दोस्तों। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा ऑडियो टेस्ट। अगर मेरा बनाया हुआ माइक आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको जरूर देख लेना और बना लेना और यूट्यूबिंग शुरू कर देना। तो ऑडियो टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ओके बाय दोस्तों, और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए बाय।